नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। शाम के 4 बज चुके हैं। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज हम देवभूमि के दंगल में बात करेंगे पहाड़ का दर्द मैदान की आय। उत्तराखंड राज्य का गठन पहाड़ के विकास के लिए हुआ और हालांकि राज्य के गठन के बाद से ही नेताओं के लिए पहाड़ का विकास कोई खास मायने नहीं रहा। आलम यह है कि पहाड़ के पहाड़ आज खाली हो रहे हैं। दौड़ती भागती जिंदगी के बीच पहाड़ का युवा रोजगार की तलाश में पहाड़ पर रुकने को राजी नहीं है और उत्तराखंड बनने के पिछले 22 वर्षों में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत को तो पीछे छोड़ चुकी है। ये एक गंभीर विषय है, लेकिन तस्वीर का अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो ये भी है कि समृद्धि के मामले में राज्य का पर्वतीय क्षेत्र मैदान से पिछड़ा हुआ है। औद्योगिक नगरी बन चुके हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून जिले में प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए तो मामले में सबसे आगे है, जबकि पहाड़ पीछे है। और हाल ही में अर्थ एवं संख्या निदेशालय ने वर्ष 2021 और 22 के जिलावार प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें इसका खुलासा किया गया है कि इस मामले में सियासत भी अब गर्मा रही है। राजनीति दल एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। नौ नवंबर सन 2000 ये वो तारीख है जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य की मांग इसलिए की गई थी ताकि पहाड़ का विकास हो सके, पहाड़ वासियों की आय बढ़े, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम आए। लेकिन राज्य गठन के बाद हुआ इसका ठीक उल्टा, जहां पहाड़ों में आज ना तो जवानी है और ना ही पहाड़ का पानी ही पहाड़ के काम आ रहा। इस बात की पुष्टि अर्थ एवं संख्या निदेशालय की वर्ष 2021 और 22 की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े कर रहे हैं, जिसमें इसका खुलासा हुआ है कि रिपोर्ट में वर्ष 2022 और 23 की प्रति व्यक्ति आय 2,33,000 रुपए वार्षिक होने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही पिछले एक दशक में पहाड़ की तुलना में मैदानी जिलों में समृद्धि का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिले की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। हरिद्वार जिले की सबसे अधिक 3,62,688 रुपए प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है, जबकि पर्वतीय जिलों में चमोली की सबसे अधिक 1,27,330 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, जबकि रुद्रप्रयाग जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 93,160 रुपए वार्षिक है। वहीं अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय सब जगह बड़ी है, जहाँ तक पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर उद्योगों का विषय था। अभी मुख्यमंत्री जी एक समिट करने वाले हैं, जिसमें बड़ी संख्या में पहाड़ों पर उद्योग लगाने वाले जो उद्यमी हैं उनको आमंत्रित किया गया। भविष्य के अंदर नया चमत्कार दिखा देगा। अभी रेलवे का प्रोजेक्ट जा रहा है, तो ये जो समस्या है भविष्य दूर होंगी। कैपिटा इनकम को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। वो पर कैपिटा इनकम पूरे प्रदेश की नहीं है, सिर्फ मैदानी जिलों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है और पहाड़ी जिले पिछड़ते चले जा रहे हैं। सबसे निम्न स्तर पर रुद्रप्रयाग जिला आया है। पर्वतीय अंचल हमारा जो राज्य है वो पहाड़ी राज्य है। ऐसे में पर्वतीय अंचल ही यदि आपके विकास से अछूते रह जा रहे हैं, एक जो विकास है वो वर्टिकल हो रहा है हॉरिजॉन्टल होने के बजाय, यानी कि समावेशी विकास होना चाहिए। सारे जिलों में एक समान, थोड़ा बहुत अंतर चलता है लेकिन कमोबेश एक समान प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं है कि क्लास में सबसे अव्वल आने वाले बच्चे को आप सामने रखकर कह दें कि पूरे स्कूल का मजमून ऐसा ही है, तो ये तो कहीं से कहीं तक औचित्यपूर्ण नहीं है। जितने भी इन्वेस्टिंग के जितने भी साधन है सारे के सारे मैदानों में शिफ्ट हो गए और सरकार की कोई क्लियर कट सोच ही नहीं रही। जितनी इंडस्ट्रीज हैं हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून में लगी हुई हैं, चलो हमने मान लिया कि ये
ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में जो है आपने मैदानी क्षेत्रों में ये लगा, लेकिन जो जीरो ट्रांसपोर्टेशन वाली यूनिट्स हैं, जैसे कि आप वहाँ पे यूनिवर्सिटीज खोल सकते थे, बोर्डिंग स्कूल्स खोल सकते थे, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने वहाँ पर ना तो कोई पॉलिसीज बनाई और ना ही वहाँ पर लोगों को जो है कोई प्रोत्साहन दिया इस मामले को लेकर। इसके कारण क्या हो गया कि पहाड़ सारे खाली होते चले गए, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट मैदानों में होता चला गया और जो पहाड़ों में मूलभूत सुविधाएं थी वो भी खत्म हो गई। तो आप लगा लीजिए कि जब मैदानों में सारी इंडस्ट्रीज हैं तो इंडस्ट्रीज जो होने वाली इनकम है, जितने भी सेंट्रल ऑफिसेज हैं सारे देहरादून में हैं, तो मैदानों में बट नेचुरल है कि जो प्रति व्यक्ति आय के रूप में वो कहीं ना कहीं दिखेगा, लेकिन जब मैदानों की अपेक्षा जो पहाड़ खाली होते जा रहे हैं और वहाँ पे आय के भी कोई साधन नहीं है, इनकम के कोई साधन नहीं है, तो उससे लगेगा कि भाई पहाड़ में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है। आपको बता दें कि पहाड़ों में आय के संसाधन ना होने के चलते लोग रोजगार के लिए मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का काफी दबाव बढ़ गया है। पहाड़ और मैदान में असंतुलन के चलते व्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं। आलम यह है कि देहरादून जिला प्रशासन को अवैध रेहड़ी ठेला को हटाने के लिए 5 अलग अलग टीमों का गठन करना पड़ रहा है। सोमवार को देहरादून में सड़कों और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन की 5 टीमों ने अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की। करीब 75 इलाकों से अतिक्रमण, अवैध रेहड़ी ठेला हटाए गए। जेसीबी से अस्थाई निर्माण भी ध्वस्त किया गया। स्पेशली जो जंक्शन है हमारे, जहाँ पे कि बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो गया और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है उसके अंदर इश्यूज आते हैं, तो उसके क्रम में जो नगर निगम है और ट्रैफिक पुलिस है और जो हमारे प्रशासन की टीम है वो गई है आज अतिक्रमण हटाने। 5 टीमें बनाई गई हैं और वो 5 टीमें जो हैं जहाँ अतिक्रमण की अदरवाइज भी हमारे पास सूचना आ रही है, स्पेशली फुटपाथ और जंक्शंस और मेन रोड जो हैं जहाँ पे हमें ट्रैफिक का भी इशू आ रहा है, वहाँ पे हम फर्स्ट फेज में कर रहे हैं। कुल मिलाकर पहाड़ की आय घटना निश्चित ही चिंताजनक सवाल है। यदि राज्य गठन के बाद भी पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही तो फिर राज्य गठन का क्या लाभ? आखिर क्यों पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे हैं? आखिर क्यों मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है? क्या सरकारें सिर्फ पहाड़ के विकास का भरोसा ही देते रहेंगे या फिर धरातल पर पहाड़ के विकास के लिए कोई कार्य भी करेंगे? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में चर्चा इसी बात को लेकर कि पहाड़ का विकास आखिर महज एक विकास का आश्वासन बनकर रह गया है। आश्वासन तो सभी राजनीतिक पार्टियां देती आ रही हैं। जब से एक अलग राज्य की स्थापना की गई, 9 नवंबर 2000 का जिक्र कर लें अगर, और इसी बेस पर किया गया कि उत्तराखंड के पहाड़ का विकास कराया जाएगा, लेकिन आलम और स्थिति बेहद चौंकाने वाली नजर आ रही है। तो आखिर ये स्थिति क्यों है? क्यों नहीं विकास हो पा रहा है पहाड़ का? और जो पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, आखिर क्यों पहाड़ के काम नहीं आ रहा है? इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कमलेश उनियाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश चमोली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश बिष्ट जी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शिव प्रसाद जी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, यूकेडी नेता। अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आरोप विपक्ष भी लगा रहा है और पक्ष का ये कहना है, जैसा कि बीजेपी नेता को अगर आप लोगों ने सुना होगा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा नहीं है, हर दिशा में एक प्रयास किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि पहाड़ का जो पानी है या पहाड़ की जवानी या पहाड़ के काम नहीं आ रही, युवा पलायन कर रहा है और जो पर्वतीय इलाकों का विकास है वो नजर नहीं आ रहा है, तमाम आरोप लगते नजर आ रहे हैं। राजेश चमोली जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं, और आपने ही ये आरोप लगाए हैं, जैसा कि महाराज जी को अभी आपने सुना होगा, जो कांग्रेस की बाइट आपने सुनी होगी उसमें साफ तौर पर ये बात सुनी होगी कि समावेशी जो विकास होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा, क्या वजह मानते हैं? देखिए सुनिए, सबसे बड़ी वजह मैं अगर कहूँ इन 22 साल में उत्तराखंड का, जो क्योंकि जब उत्तराखंड बना तो भावना ये थी उत्तराखंड की कि उत्तराखंड राज्य बने और पर्वतीय जो हमारी जो व्यवस्थाएं उन पे सुचारू रूप से अच्छा कार्य हो, लेकिन
जो मुझे लगता है इन 22 सालों में सरकारें दोनों रही हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप देखिए जब नारायण तिवारी जी मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड में तो हमने एक व्यवस्था बनाई, जैसे शेड्यूल स्थापित किया, उधम सिंह नगर में किया, हरिद्वार में किया, या कुछ एक रोजगार की व्यवस्थाएं बनाई, जैसे जैसे सरकार ने कुछ काम धरातल पे किए तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में सरकार परिवर्तन हुआ तब से लेके। और इन मैं कहूँ 13-14 सालों में बीजेपी ने जो भी कार्य अगर धरातल पे किए तो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं वो बता सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है पहाड़ की, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर ये दो चीजें अगर हमारी मजबूत हो जाती है तो निश्चित रूप से ये राज्य का जो निर्माण हुआ था, जिन जिन भावनाओं के रूप में अनुरूप ये निर्माण हुआ था कि पर्वतीय राज्य बनेगा और उसकी जो मूल भावना है उत्तराखंड के जो तमाम लोग हैं, गढ़वाल कुमाऊं जो दोनों मंडलों में हमारे लोग रहते हैं, उनकी जो प्रति व्यक्ति आय की जो आपने जो आज डिबेट भी रखा है वो बढ़े और निश्चित रूप से उन लोगों का विकास हो, राज्य का विकास हो। लेकिन इन 6 सालों में आपने आंकड़े देखे होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम 33वें नंबर पर आ गए हैं पूरे देश भर में, ऐसी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम इन 10 हिमालय राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य है उत्तराखंड। नहीं, अहम विषय तो ये भी है ना, आपने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि किसी भी देश का अगर शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर होता है तो वो देश तरक्की करता है, इस बात से इत्तेफाक है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि रोजगार की आस में लोग पलायन करने को मजबूर हैं, जो युवा हैं पहाड़ के वो पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल सोनी जी, देखिए मैंने कहा नहीं, देखिए रोजगार अगर आप पहाड़ में अगर दे सकते थे, पहाड़ का रोजगार 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है। एक रोजगार है जो पहाड़ में हमारे लोग जो डिपेंडेंट है पूरी आर्मी पे, उत्तराखंड के लोग, तो वो रोजगार भी लगभग भारतीय जनता पार्टी ने समाप्ति की ओर उसको पहुंचा दिया है, जहां आदमी 15 या 20 साल नौकरी करता था और रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन यापन करने के लिए उत्तराखंड वापस आके अपने गाँव में रहकर गांव में कुछ कार्य करता था, उस रोजगार पे भी बीजेपी ने जो अग्निवीर योजना आई उस पर विराम लगाया है। इसी प्रकार आप देखिए दूसरा रोजगार था हमारे पास पहाड़ में, जो हमारा उत्तराखंड का लोकल जो प्रोडक्ट है, जैसे उत्तराखंड में मंडवा, झंगोरा, कूदा और ये तमाम चीजें जो होती थी उस पर फोकस करने की आवश्यकता थी। हमने भी कई बार सरकारों को सुझाव दिए, चाहे हमारी सरकार भी रही है, एक बार जैसे माननीय हरीश साहू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने देखिए आज जो उत्तराखंड में हम तमाम लोग मंडवा, झंगोरा, कोदा, जिन चीज माल्टा, काफल, जिन चीज की हम जिक्र करते हैं वो सिर्फ हरीश राव जी की वो देन थी कि हरीश राव जी ने उन प्रोडक्ट को लोगों के बीच में प्रोत्साहन के रूप में लोगों को उस टाइम प्रोत्साहन भी दिया और प्रोत्साहन राशि भी बनाई और उन लोगों का उन प्रोडक्ट का प्रचार किया, जिससे लोग अपने पहाड़ की जो तमाम जो हमारे खाद्यान्न है उनका बढ़ावा उसका बढ़ावा हो और लोग उसको मतलब खेती करें, इस प्रकार से धरातल में काम करें। लेकिन इस सरकार ने उस पर भी विराम लगा दिया। आप देखिए आज घर घर में फ्री का राशन मिल रहा है, देश के प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं, जहां कांग्रेस के टाइम पे वो कहते थे 23 करोड़ लोगों को राशन मिलती है, आज वो स्वयं कह रहे हैं कि हम 83 करोड़ लोगों को राशन बांटे काम कर रहे हैं। तो कहां से उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। और देखिए दुर्भाग्य देखिए, जैसे अभी मैं यूकेटी के प्रवक्ता है सेमाल जी, उनकी बात भी सुन रहा था, ये सच्चाई है, उत्तराखंड के तमाम इंस्टीट्यूशन देहरादून मैदानी इलाकों में, मैं जिला पौड़ी बिलोंग करता हूँ, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे वहां की जो कमिश्नरी है, कमिश्नर यहाँ देहरादून बैठे हुए हैं, डीएम के अधिकारियों के बच्चे सारे देहरादून शिफ्ट है, पूरी फैमिली शिफ्ट है उनकी, ऐसी टीचर्स है उनके बच्चे देहरादून शिफ्ट है, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी कहाँ से जब वहां पे रोजगार, भाई मैं दुकान खोलना चाहता हूँ सपोज कीजिए, जब जहाँ पे इंटर कॉलेज है वहां के अध्यापकों के सारे बच्चे अगर पूरा परिवार देहरादून बसता है तो वो आदमी दुकान खोल के क्या करेगा वहां पर बताइए। अगर मैं चाहता हूँ कि पहाड़ में मैं दुकान खोलूं, लेकिन दुकान चलेगी कैसे जब एक सिंगल आदमी वहां पर टीचर रह रहा है और फैमिली जिससे जिसके मार्फत मैं एक दुकान को सुचारू रूप से चला सकता था, एक मार्केट बनती, वो तो पूरे देहरादून में उसका सबसे बड़ी समस्या, मूल समस्या जो मैं कह रहा हूँ, अच्छा शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य जब तक पहाड़ों में व्यवस्थित तरीके से नहीं होगा तो निश्चित रूप से पलायन लगातार बढ़ता रहेगा। और पलायन की स्थिति आप देखिए, लगातार 231 व्यक्ति प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं। सरकार के पास इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रवासी 10 लाख प्रवासी उत्तराखंड कोरोना के टाइम पे आए थे, उनको रोकने का सरकार के पास मतलब पलायन आपके कार्यकाल में नहीं हो रहा था, बीजेपी के कार्यकाल में पलायन ज्यादा हो रहा है। सोनी जी देखिए आंकड़े बोलते हैं, आंकड़े ये बोलते हैं कि कांग्रेस के टाइम पर बेरोजगारी 4% थी, आज 23% हो गया उत्तराखंड में। ये तो आंकड़े बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपने भी अभी जैसे अर्थ एवं संख्या निदेशालय का जो आंकड़ा पेश किया है ये तो आपके सामने सच्चाई है। आप स्वयं कह रहे हैं कि हरिद्वार में प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, हरिद्वार तो टॉप जिला हो गया, लेकिन रुद्रप्रयाग
चलिए कमलेश जी से पूछ लेते हैं। इसी प्रकार कुमाऊं मंडल में हमारे बागेश्वर सबसे पिछड़ा जिला बन चुका है, जो मतलब प्रति व्यक्ति आय में हमारी जो मूल भावना क्या थी, पहाड़ की थी, एम्स शहर में मतलब मैदानी क्षेत्र में, यहाँ इवन आप लगा लीजिए मतलब नैनीताल में जो हमारा हाईकोर्ट था उसको भी शिफ्ट करके आप हल्द्वानी ले जा रहे मैदानी इलाकों में, तो आप तो पूरे पहाड़ की जो एक भावना थी, मूल भावना, उसको खत्म करने पड़े गए। इसी प्रकार मैं अगर राजधानी की बात करूं, पहाड़ के विकास की बात तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन मुझे लगता है जो पहाड़ पर्वतीय इलाकों की स्थिति अगर देखा जाए उत्तराखंड की, तो बेहद दयनीय नजर आ रही है। चौंकाने वाले जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, रुद्रप्रयाग का अगर जिक्र करें तो यहां पर प्रति व्यक्ति आय बेहद कम नजर आ रही है। कमलेश जी आपका रुख करेंगे, क्या है जिस तरीके से अभी राजेश जी को आप सुन पा रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में जब हमारी सरकार थी तब तो 4% जो बेरोजगारी दर की बात कर रहे थे, और आपके आने के बाद तो और ज्यादा बढ़ गई, जबकि कम की उम्मीद थी, ऐसा क्यों, क्या वजह है? अनम्यूट करिएगा सर। हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो अपने कार्यकाल की जो गाथा सुना रहे हैं वो ठीक है, पार्टी के प्रवक्ता है तो पार्टी ने क्या उनके कार्यकाल में क्या हुआ ये बताना उनका एक नैतिकता बनती है, लेकिन जहां तक ये कह रहे हैं कि साहब मोटे अनाज के ऊपर, हमने तो मोटे अनाज के ऊपर फोकस किया है, और इनके हरीश रावत जी ने तो खाली गार्ड गदेरे और इसकी बात करते हुए सारे गार्ड गदेरों को मतलब मैं जो खनन की स्थिति है वो क्या रही इनके कार्यकाल में, कितना भ्रष्टाचार इनके कार्यकाल में क्या रहा, या ये आपके कार्यकाल का जिक्र कर रहे हैं, जो मेन सवाल है, जो मेन मुद्दा है कि पहाड़ी पर्वतीय इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर पर्वतीय इलाकों का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? समावेशी विकास होना चाहिए और ये जिम्मेदारी भी है सरकार की। देखिए मैं एक चीज कहूंगा, उसी बिंदु पे मैं आ रहा था, लेकिन आरोप लगाने से पहले इनका जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन अगर देखा जाए हम लोग 2020 और 2021 की जो कोरोना काल के उपरांत जो योजनाओं के तहत 1792 करोड़ रुपए का एक पैकेज निर्धारित किया गया था, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा 361 योजनाओं भी उसमें कार्यरत है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए स्पेशल प्लान को देखते हुए, क्योंकि उस समय की स्थिति को देखते हुए कि कई ऐसे हमारे जो प्रवासी भाई थे वह कोरोना काल में वापस उत्तराखंड में आए और कई लोग उसके बाद वापस गए, हमने सिंगल विंडो के माध्यम से स्वरोजगार योजना के तहत उस समय हमारी सरकार ने लगातार उस पर आज भी काम चल रहा है, उसी के अगर हम देखें तो हमारी जो सरकार के अंतर्गत वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत जो सब्सिडी की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग पहाड़ विकास की जो हम बात करते हैं, इसीलिए 33% जो सब्सिडी का हम मानक रखा है कि 33% सब्सिडी पहाड़ी क्षेत्रों में, 25% सब्सिडी मैदानी क्षेत्रों, तो ये लोग हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर के पहाड़ी क्षेत्रों में अपना स्वरोजगार स्थापित करें। उसके अलावा अगर हम लोग चाहे हम माइनिंग की बात करते हैं, माइनिंग सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारी फीस है माइनिंग सेक्टर की वो 50,000 रुपए है जो, और मैदानी क्षेत्रों में अगर वो फीस हो 1,00,000 रुपए क्यों लगी गई, ताकि ज्यादा जो क्रेशर और माइनिंग के सेक्टर में जो काम करने वाले लोग पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा कर रहे हैं, वहां पे जो रॉयल्टी की जो इनकम है सरकार जो लेती है 3.5 रुपए लेती है, और मैदानी क्षेत्रों में साफ अब तो खैर कई स्थिति उसमें चेंज आ गए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है, इसकी एक भावना है कि पहाड़ों में कितने ज्यादा विकास हो, कितना ज्यादा वहां उद्योग लगे। उसके अलावा मत्स्य पालन कहें, चाहे आपके कुटुल उद्योग की हम लोग बात करते हैं, चाहे हम लोग समूहों को जो सेल्फ ग्रुप है उनको कितने सब्सिडी के अनुसार उनको जो आगे बढ़ाने वाली बात है, तो हमारी सरकार उसमें कहीं ना कहीं हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सुन पा रहे हैं कमलेश जी आते हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठना लाजमी हो जाता है। आप कह रहे हैं कि विकास की ओर काम किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मैदानी इलाकों की अगर बात करें, मैदानी जिले की अगर बात करें तो वहां पर तो ठीक है स्थिति, लेकिन पर्वतीय और पहाड़ी इलाकों की स्थिति ऐसी क्यों नजर आ रही है जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं? इसी को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
पर्वतीय क्षेत्र आखिर मैदान से क्यों पिछड़ गया, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में। हमारे साथ शिवप्रसाद सेमवाल जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आएंगे आम आदमी पार्टी से राजेश बिष्ट जी हैं। राजेश जी, जो कमलेश जी कह रहे थे, जो तर्क दे रहे थे, विकास का जो जिक्र कर रहे थे, अगर ऐसा है तो ये पलायन क्यों, क्या कहेंगे आप? मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ, एक बात तो जो शुरू हुई डिबेट वो बिल्कुल सही थी कि जो ये 22 वर्षों का हमारा उत्तराखंड है, ये कहीं ना कहीं भावनाओं पे बना हुआ प्रदेश है। और ये एक संरचना थी कि किसी तरह से अगर हमें अलग उत्तराखंड मिलता है तो हमारे पर्वतों को, हमारे हिमालय को, हमारे वनों को बचाया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज भी 22 वर्षों के बाद जब हमारे कांग्रेस के साथी ये कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में ये हुआ है और बीजेपी के साथी कहते हैं कांग्रेस के कार्यकाल में ये हुआ है, तो ये बहुत ही दुखद विषय है। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 22 वर्षों के अंदर अगर आज भी हमारे ये दोनों साथी जो लगातार सत्ता में रहे, तीन बारी कांग्रेस पार्टी रही, तीन बारी बीजेपी पार्टी रही, और ये अगर ये कहते हैं, मौका आपके पास भी है राजेश जी। जी नहीं, मौका है, आगे आएंगे मौके। शिक्षा और स्वास्थ्य अगर आज ही हमारे पहाड़ों को नहीं दे पाए और 22 वर्षों के बाद डिबेट के माध्यम से कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में हम कुछ नहीं कर पाए, तो ये बहुत ही निंदनीय विषय है। 22 वर्षों के अंदर आपने लगातार जब तीन तीन बारी सरकारें चलाई तो आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कुछ किया क्यों नहीं? और आज आप यहाँ पे 22 वर्षों के बाद बैठ के आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा खराब है, स्वास्थ्य खराब है। दूसरी बात, इन्होंने माल्टे की और इन्होंने मुंडवे की बात करी, बात बहुत अच्छी करी। हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र में जो वहां के खाद्यान्न होते हैं उन खाद्यान्नों को हम लोगों ने प्रचार प्रसार करना चाहिए, लेकिन क्या ये बता सकते हैं इन्होंने माल्टा का न्यूनतम मूल्य अपने अपने कार्यकाल में क्या रखा था? मुझे अच्छे से याद है जब मैं गांव-गांव में घूमता था तो किसान बोलते थे हमारा माल्टा 2 रुपए किलो जा रहा है। अब आप अंदाज कीजिए 2 रुपए किलो जाने वाला माल्टा किसी किसान को क्या फायदा पहुंचाएगा? उसका यह कहना था कि अगर मेरे पास 10 पेड़ हैं और मैं अगर 10 क्विंटल मेरे पास माल्टा होते हैं तो उसको सड़क पर पहुंचाने में मेरा 6 रुपए किराया लग रहा है और बिक रहा है 2 रुपए किलो। तो अंदाज कीजिए कि इन्होंने एक दया भाव दिखाया हमारे किसानों के प्रति कि हमें आपकी चिंता तो बहुत है लेकिन हम आपके सामान को बिकने नहीं देंगे, कहीं हम आएंगे स्टंटबाजी करने के लिए, हम वहां पे माल्टा भी खाएंगे, झिंगुरा भी खाएंगे, मुंडवा भी खाएंगे, लेकिन जब आपका मेहनत से जो आपने इन पेड़ों की सेवा करी है या कृषि में जो आपने मेहनत करी है इसका भाव दिलाने की बात आएगी तो हम आपके आसपास नजर नहीं आएंगे। दूसरी बात, अभी हमारे साथी ने खनन की बात करी तो खनन की बात बहुत अच्छे से करी। अभी इनको याद होगा कि सीएजी की रिपोर्ट आई है पिछले महीने, उस सीएजी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2969 गाड़ियां जिसमें स्कूटर, एम्बुलेंस, सरकारी वाहन, इन सब के नंबर वहां पे सीएजी की रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन के साथ कहे गए हैं कि भैया आप लोगों ने जो ये इतना मिलियन मेट्रिक टन जो आपने खनन हेरा फेरी करके सरकारी वाहनों के नाम पे किया है, ये आपके यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या उस पर कोई कार्रवाई करने की बात कहेंगे? खनन से किसका फायदा हुआ है? और पर कैपिटा इनकम की जहां तक बात आ रही है, मुझे तो प्रदेश के अंदर भी एक ताजा मामला ध्यान आ रहा है कि हमारे प्रथम नागरिक कहे जाने वाले जो हमारे देहरादून के मेयर हैं सुनील उनियाल गामा जी, जिनकी 2 करोड़ की पूंजी 5 वर्षों के अंदर 100 करोड़ पार कर चुकी है सिर्फ एक जिले में। अगर हम प्रदेश भर में उनकी पूंजियों का आकलन लगाएंगे और जो अन्य आरटीआई का जवाब आने वाला है, मैं समझता हूँ 500 करोड़ होना बहुत मामूली सी बात है। तो इस बात से अंदाजा कीजिए कि प्रदेश के अंदर केवल राजनीतिक पार्टियां जिनकी सरकारें रही वो फल फूल रहे हैं और जो एक आम आदमी है जिस आदमी को 22 वर्षों में लगातार ये छलने का काम कर रहे हैं वो बेचारे आज भी उन्हीं हालातों में। अभी मैं देख रहा हूँ कि पिथौरागढ़ का पर कैपिटा इनकम 18,678 रुपये आ रहा है, रुद्रप्रयाग का 93,160। ये दोनों डबल इंजन की सरकारें रही हैं। थोड़ी सी एक बात चर्चा का विषय है कि जब डबल इंजन की सरकारें 22 वर्षों में बारी बारी से कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की भी रही, जो इन्होंने मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार पर्वतीय क्षेत्रों में या कहीं पे भी लोगों को रोजगार देने का एक साधन बनाया है, उसको 365 दिन में ये क्यों उसको 150 या 200 दिन का नहीं करते? उसका जो इन्होंने न्यूनतम एक दिन की दिहाड़ी 230 रुपए 225 रुपए करी हुई है उसे न्यूनतम 400 या 500 क्यों नहीं करते? तो राशन देने से बेहतर होगा कि ये रोजगार दें उत्तराखंड के लोगों को, और जब रोजगार मिलने लगेगा तो पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और रही पलायन की बात, 231 पर डे का आंकड़ा कांग्रेस के साथी के पास जरूर है,
लेकिन उस 231 युवा को जो रोज पलायन कर रहा उसको रोकथाम करने के लिए इन्होंने क्या जिम्मेदारी उठाई? तो बहुत दुख का विषय है कि हमारा युवा पलायन दुख का विषय है और चर्चा का विषय भी है। और अगर विपक्ष के पास ये है, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं बड़े मुद्दे और जोर शोर से ये बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में आप भी रहे तो आपने आपके टाइम की जो स्थितियां रही हैं तो कितनी बेहतर रही हैं उस पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। शिवप्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, यूकेडी प्रवक्ता, आपकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मामले को लेकर। पहाड़ी जो युवा है वो रोजगार की तलाश में अब वहां से पलायन करने को मजबूर है, मैदानी क्षेत्रों का रुख कर रहा है, क्या वजह मानते हैं? यही वजह है कि जो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से जो चलने वाली सरकारें उनकी प्राथमिकता में कभी पहाड़ रहा ही नहीं, और यही कारण है कि पहाड़ों में खंडूरी जी के टाइम पे एक पॉलिसी बनी थी एकीकृत औद्योगिक विकास नीति, लेकिन उसके अंतर्गत भी कोई इंडस्ट्रीज पहाड़ों में लगी नहीं क्योंकि सरकारें संवेदनशील नहीं थी। इंडस्ट्रीज के मामले में तो चलो हम मान लेते हैं कि भाई रॉ मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके कारण इंडस्ट्रीज लगाने में वहां कोई ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जो जीरो ट्रांसपोर्टेशन वाली इंडस्ट्रीज हैं आप वहां पे उस तरीके की इंडस्ट्रीज लगा सकते थे, सिलिकॉन वैली के रूप में वहां की वैलीज को डेवलप कर सकते थे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज लगा सकते थे, आप वहां पर ऑनलाइन को लेकर के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और तमाम चीजों को मार्केट एक बड़ा डेवलप कर सकते थे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि अगर छोटी सी बात भी लें, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने आप यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं उनको मैदानों में मान्यता न दे करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, अगर आप बोलते हैं कि भाई जो पहाड़ों में खुलेगा यूनिवर्सिटी उसी को हम मान्यता देंगे और उस हिसाब से थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर देते, तो मेरे ख्याल से उस एक यूनिवर्सिटी का भी अगर हम मुद्दा लें तो वहां के आसपास के लोग जो है इसी बात पर डेवलप हो जाते हैं कि भाई वहां सब्जी बिकेगी, उनका दूध बिकेगा, उनके यहाँ पे लोग बच्चे किराए में रहेंगे। अब जैसे नई टिहरी में एक हाइड्रो कॉलेज है, TSDC ने खोला है, तो कितने सारे लोगों की आय उस हाइड्रो कॉलेज से जुड़ी हुई होगी, या जो सीमांत में जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो सरकारी, वहां से आसपास के लोगों की कितनी आय जुड़ी है जो लोग वहां पे रहते हैं। इसी बात को अगर एक उदाहरण माना जाए तो अगर पहाड़ों में इस तरीके की जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, हब हैं, उस तरीके से डेवलप किया जाता तो काफी चीजें हो सकती थी, लेकिन सरकार ने ये किया नहीं। आपका जो इस तरीके का टॉपिक है कि भाई मतलब मैदानों की आय और पहाड़ का दर्द जो बड़ा है उसके पीछे कारण क्या हो, भाई हमारा एक ही राज्य है, अगर मैदानी जिलों की आय भी बड़ी थी तो कायदे से हमारे पहाड़ के लोगों भी तो खुशी होनी चाहिए थी, भाई अगर दूसरे की इनकम होती है तो पहाड़ के लोगों को दर्द क्यों होगा? लेकिन वो दर्द इसलिए होगा मैडम, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जहां हमारा सामान बिकना है उसके आपने प्रॉपर मार्केट तो दिया नहीं, बीच में दलाल पैदा कर दिए, तो जो पहाड़ के लोग मतलब मैदानों में अगर किसी आदमी को 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हो रही है तो हमारे 10 रुपए किलो का माल्टा भी वो 50 रुपए किलो में खरीद लेता, लेकिन आपने बीच में दलाल पैदा कर दिए, माल्टा तो 50 रुपए किलो ही बिक रहा है लेकिन हमारे पहाड़ से वो 3 रुपए भी नहीं मिल रहे आदमी को, क्योंकि आपने बीच का नेटवर्क ही डेवलप नहीं किया, हमारे लिए तो आप भूल गए। दूसरी ओर मैदानों में वो पहाड़ के आदमी का दर्द क्या है जिसके पास जेब में पैसा नहीं है? यहाँ पे आदमी सब्जी मंडी में चले जाओ, आप इतने सेंट्रल मतलब इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, केंद्रीय संस्थान, केंद्र सरकार के ONGC से लेके तमाम ऐसे ऐसे संस्थान भी हैं जिनके कारण पूरी इकोनॉमी चलती है उत्तराखंड की, लेकिन वो क्या है सब्जी मंडी में कभी कोई रेट नहीं पूछेगा, हाँ जी भिंडी क्या रेट है वो कोई नहीं बताता, मतलब दलाल चलाते हैं इकोनॉमी को, उत्तराखंड की इकोनॉमी को दलाल चला रहे हैं। डेफिनेटली मैम पहाड़ों में तो यही है, पहाड़ों में जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो आप आड़त बाजार में चले जाओ, वो बोलता है बेटा फेंक के चले जा टमाटर, फेंक के चले जा आलू, बिक जाएगा तो देख लेंगे, फेंक के चले जा सब्जी, लागत भी नहीं आती, क्योंकि हमको दलालों के भरोसे छोड़ दिया पहाड़ के लोगों को। और अगर पहाड़ वाले लोग यहाँ देहरादून में आ जाए मैडम तो यहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा है कि पहाड़ के आदमी के पास है ही नहीं, वो रेट वो भाव तोल करते नहीं है, जो मुंह से निकल गया सब्जी बेचने वाले की भी वो दे देते हैं, मॉल की संस्कृति है, ब्रांड वाली संस्कृति है, हमारे लोगों के तो हाथ से सब्जी भी नहीं खरीदी जा सकती, इतने महंगी सब्जियां हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय मैदान की बड़ी होने से उसको रेट से कोई मतलब नहीं, और बाहर के लोगों को आपने उनको कोई आय दी नहीं, कोई संसाधन दिए नहीं, स्थिति बेहद गंभीर। कमलेश जी कहां से निकलेगा जब उसकी जेब में पैसा आएगा नहीं? आप जवाब देना चाह रहे हैं जी, सवाल लेकिन अहम है। हाँ मैं तो एक चीज कहूंगा, जहां तक दलाली वाली बात है तो सेमवाल जी के संज्ञान में एक बात दूं, ऋषिकेश या कोई भी मैदानी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र में मंडियों की व्यवस्था है,
और मंडियों में रेट का तय करना ये दलाल नहीं करते हैं, ये उसमें कितने खरीदार हैं और कितनी संख्या में माल आ रखा है। अगर खरीदार ज्यादा है और माल कम है तो रेट बढ़ेंगे, और माल ज्यादा है खरीदार कम है तो रेट डाउन होंगे। इस आधार पे मंडी का रेट निर्धारित होता है, इसमें दलाली वाली बात कहां से आ गई? लेकिन क्षेत्र अलग अलग हो गए ना, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र अलग अलग है, इस बात को भी समझने की जरूरत है कमलेश जी। करने में टाइम दिया है स्वरोजगार के अंतर्गत बड़ी इंडस्ट्री के लिए, अगर कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन जैसा सीमाल जी से बात में सहमत हूँ, लेकिन हमारी सरकार ने उसके अंतर्गत कार्य किए हैं। हम लोग अगर होम स्टे की बात करते हैं तो होम स्टे के अंतर्गत हमारी सरकार ने काम किया है। हम लोग अगर छोटे उद्योग लगाने की, कुटीर उद्योग लगाने की, मत्स्य पालन या आपका, तो फिर ये पलायन क्यों कर रहे हैं युवा? पहाड़ से पलायन करने को क्यों मजबूर है? क्या वजह है आपके हिसाब से? आप बता दीजिए क्या वजह है। आते हैं आपके पास आएंगे मैडम। रोजगार की हम लोग बात करते हैं तो अगर चमोली के अंतर्गत हम देखो 381 होम स्टे हैं आज, और देहरादून के अंदर 500 होम स्टे हैं। उसके अलावा कोटद्वार, खाली कोटद्वार की अगर लैंसीडॉन की मैं बात करता हूँ, 110 होम स्टे जो चल रहे हैं, गतिमान है। और उसके अलावा अगर जिला टिहरी की बात करता हूँ, इसके अंदर 152 होम स्टे हैं। उत्तरकाशी के अंदर 311 होम स्टे हैं। उसके अलावा जो चल रहे हैं, हमारी सरकार ने जो एक व्यवस्था बनाई थी उसके हिसाब से सब्सिडी भी दी गई है उसके अंतर्गत। अगर हम लोग देखते हैं कि जनपद चंपावत के अंदर 85 और नैनीताल के अंदर 350। अच्छी बात है कमलेश जी, आप पूरा आंकड़ा लिख कर लाए हैं, अच्छी बात है आप बता रहे हैं, इत्तेफाक भी रखते हैं इस बात से। लेकिन सवाल अभी भी हमारा यही है कि अगर ऐसा है, सरकार काम कर रही है, तो फिर यहाँ का बेरोजगार युवा पलायन करने को क्यों मजबूर है? आपके पास आएंगे इसके बाद राजेश जी और राजेश बिष्ट जी, आप दोनों के पास वापस लौटेंगे। लेकिन अरुण शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया बेहद अहम हो जाती है इस मामले को लेकर। सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने वक्तव्य आप सुन रहे हैं अरुण जी, क्या लगता है क्या वजह निकल कर सामने आ रही है जिस वजह से पहाड़ का युवा पलायन करने को मजबूर है और पहाड़ अभी भी विकास से पीछे है, पहाड़ी क्षेत्र? अनम्यूट करिएगा सर। देखिए सीधी बात यह है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली जैसे पैमाने आवश्यक है, और मुझे लगता है कि पहाड़ में कहीं ना कहीं ये इन सब चीजों की कोई ना कोई कमी है और इसी वजह से वहां से लगातार पलायन हो रहा है। जैसे साथियों ने कहा कि 232 जो पलायन आयोग की रिपोर्ट है वो कहती है कि रोज 232 लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, तो पलायन इसी कारण कर रहे हैं कि वहां सुविधाएं नहीं है। अब देखिए पलायन दो तरह के हो रहे हैं, एक विद इन स्टेट हो रहा है, प्रदेश के अंदर हो रहा है, जो पहाड़ से आ रहे हैं लोग, और मैदानी क्षेत्रों में इसलिए आ रहे हैं कि उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी है, उनके बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी है और उनको और तमाम सुविधाएं मिलनी है, इसलिए ये पलायन हो रहा है। दूसरा पलायन वो हो रहा है जो शिव भाई ने कहा है या औरों ने भी कहा है कि पहाड़ में रोजगार की कमी है, तो रोजगार के लिए जो पलायन हो रहा है वो अलग है, वो प्रदेश के बाहर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी इस प्रदेश में ही आ रही है कि जो भी आदमी बाहर। अरुण जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अनम्यूट करिएगा। अरुण जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए। बात करें तो खेती इसलिए चौपट हो गई है कि पहाड़ में जो जो चीज, तो खेती बरसात पर निर्भर है पूरी की पूरी, और दूसरी चीज ये है कि अगर फिर भी हिम्मत करके किसी ने कुछ उगा दिया तो बंदर और सुअर उसको तबाह कर देते हैं। तो बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एक एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी सरकारें रही उनका ध्यान मैदानी क्षेत्रों के डेवलपमेंट में ज्यादा रहा, इंडस्ट्री 3 जिलों में सिमट कर रह गई, हरिद्वार, देहरादून, उद्धम सिंह नगर और कुछ नैनीताल में, और इसी वजह से यहाँ प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ी। अब आप कह रहे थे कि पहाड़ में अगर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है तो चमोली जिले में बढ़ी है, तो उसका कारण है कि चमोली में बद्रीनाथ है, औली है और साथ में हेमकुंड साहिब है, तो वहां पर्यटन और तीर्थाटन दोनों
पैमाने पर काम हो रहा है, वहां लोग जा रहे हैं, वो पैसा खर्च करते हैं, इसलिए वहां रोजगार भी मिल रहा है लोगों को। लेकिन अगर हम इन चारों धामों से अलग हटके देख लें, अगर हम हेमकुंड साहिब से अलग हटके देख लें, तो अगर मुख्य सड़क से हटके देखें तो वहां तो कोई रोजगार के साधन नहीं है। चलिए मुख्य सड़कों में जहां पर्यटन के लिए लोग जा रहे हैं, तीर्थाटन के लिए लोग जा रहे हैं, वहां छोटे छोटे ढाबे खुल रहे हैं, पेट्रोल पंप खुल रहे हैं या और चीजें, पंचर की दुकान खुल रही है, तो कहीं ना कहीं रोजगार के साधन मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम यात्रा रूट से, पर्यटन रूट से अलग हटके लग जाए, अलग हटके चले जाए, तो वहां तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए उन क्षेत्रों से ज्यादा पलायन हो रहा है। अभी ये पलायन आज की रिपोर्ट है वो भी यही कहती है कि जो पर्यटन क्षेत्रों में या तीर्थाटन क्षेत्रों में लोग हैं वो कम पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में जो लोग हैं जहाँ कोई किसी तरह का कोई आवागमन कम से कम होता है, वहां ज्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। दूसरी चीज, बहुत सालों से कोरोना में बहुत सारे लोग आए प्रवासी, लेकिन हमारे यहाँ उचित व्यवस्था नहीं हो पाई। हमने भाई भले ही कहते रहे 33% सब्सिडी मिल रही है या स्वरोजगार के साधन मिल रहे हैं, नहीं मिले। मेरी जान पहचान में दसियों लोग ऐसे थे जो बंबई से आए हैं, लुधियाना से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, लेकिन उनको वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि वहां उनको बैंकों ने चक्कर कटा दिए और सरकारी अमले ने चक्कर कटा दिए। वो निराश हो गए, जैसे ही कोरोना ढीला पड़ा वापस चले गए। आज वो सब लोग उन जगह पे नौकरी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। देखिए, अगर शिव भाई ने एक चीज बहुत बढ़िया बोली है कि पहाड़ में इंस्टीट्यूट आप डेवलप करिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप करिए, जो टेलीविजन के पार्ट्स होते हैं वो डेवलप होने चाहिए, उनकी फैक्ट्री लगनी चाहिए, कुटीर उद्योग लगने चाहिए। अब निश्चित तौर पर कुछ सरकारों ने काम किया है। आज जो स्वयं सेवी सहायता समूह है बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, हमारे यहाँ के उत्पाद बन रहे हैं, तो जो हैंडीक्राफ्ट की चीजें है वो बन रही है। लेकिन बड़े पैमाने पर इन चीजों को बनाया जाना जरूरी है जिससे वहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। हम बड़े खुश हो जाते हैं आजकल कि फलाना स्वयं सहायता समूह को 10 लाख रुपए साल की आय हुई या 20 लाख की आय, लेकिन ये तमाम लोगों के लिए होना चाहिए, कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। और इस दिशा में कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कल आम आदमी पार्टी आ जाए या यूकेडी की बन जाए, इन लोगों को इस दिशा में ठोस काम करने पड़ेंगे, तभी यहाँ का विकास होगा और यहाँ से पलायन रुकेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियां विकास को लेकर बात तो करती हैं, और मुझे लगता है जब से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को एक अलग राज्य इसका गठन किया गया, स्थापित किया गया, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर इसी बात का जिक्र हुआ कि जो पहाड़ है उसका, पर्वतीय जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, उनका विकास किया जाएगा, उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। लेकिन ठीक उल्टा होता नजर आ रहा है। राजेश जी, आपके पास आएंगे, जो स्थिर विकास है वो कैसे संभव है, आपके पास आएंगे। राजेश बिष्ट जी, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं पहले, फिर इसके बाद आपके पास आएंगे। राजेश जी, ये मुद्दा आपके पास भी है, आप भी प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी के। बिल्कुल सोनी जी, देखिए आपने कहा कि किस प्रकार इन चीजों को रोकथाम होनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए, ये सेमवाल जी यहाँ पे बैठे हैं, बिष्ट जी भी यहाँ पे बैठे हैं, शर्मा जी भी है, कमलेश जी भी है, और आप ये कोई नहीं नकार सकता कि कांग्रेस के टाइम पे कार्य नहीं हुए। कांग्रेस के टाइम पे चाहे शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, तमाम चीजों पे कार्य हुए हैं। उनको नई सरकारों का काम ये होता है कि नई सरकारें उसको व्यवस्थित तरीके से और अच्छा डेवलपमेंट करके उसको सुचारू रूप से आगे चलाए, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वाकई में प्रवृत्ति है, क्योंकि हम सब युवा है और हम चाहते हैं उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो, धरातल पे हो, इस प्रकार अभी कमलेश जी ने कहा कि हमने होम स्टे बनाए। आप देखिए, जितने भी होम स्टे आपने गिनवाए हैं वो लोगों ने अपने व्यक्तिगत घरों पे अपनी व्यवस्था के रूप में अनुरूप को तैयार किए हैं, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। अभी शर्मा जी ने भी कहा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं टिहरी जिले की अगर आप बताऊं तो 12,000 एप्लीकेशन जो कोरोना के टाइम पे युवाओं ने स्वरोजगार के लिए अप्लाई की थी, मुझे लगता है 40 से 50 एप्लीकेशन भी अप्रूव नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन। अब आप 10 लाख का छोटा सा रोजगार है उसपे 30% सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब कम से कम 3-4 लाख रुपए तो स्वयं का लगाना पड़ रहा है। पहाड़ में इतना ही व्यवस्था नहीं है कि कोई आदमी 3 से 4 लाख रुपए अपनी जेब के लगाकर कोई स्वरोजगार खोल पाए। तो मेरा मानना है सरकारों को, देखिए दो मंडलों में उत्तराखंड है, गढ़वाल और कुमाऊं में, सरकार को खासतौर से
जैसे सेमवाल जी ने भी कहा कि पहाड़ में इंस्टीट्यूशन हो, उसका एग्जाम्पल मैं सेमवाल जी आपके मार्फत ये भी देना चाहता हूँ कि आपको याद है उत्तराखंड में हमारे पार्टी के माननीय गणेश गोयल जी मुंबई में अपना जीवन यापन किया, लेकिन पहाड़ वापस रिवर्स प्लान किया और पहाड़ का सबसे सुदूर क्षेत्र राठ क्षेत्र बैठाणी में एक राठ महाविद्यालय की स्थापना की। आज जो उस मार्केट में पूरा मार्केट में पहले एक दुकान हुआ करती थी, आज 250 दुकानें करीबन उस मार्केट में डेवलप हो चुकी हैं, केवल इसलिए इंस्टीट्यूशन। राजेश जी, राजेश बिष्ट जी के पास आएंगे क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा समय देना है। राजेश बिष्ट जी, जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे साथी प्रवक्ता जो बीजेपी के थे उन्होंने होम स्टे के कुछ आंकड़े गिनाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का युग डिजिटल युग है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल युग के लिए बहुत ज्यादा, ये मुझे एक साइट बता दे जिस साइट पे होम स्टे के ये आंकड़े व्यवस्था दी गई। आज जब दिल्ली से कोई आदमी पहाड़ घूमने आता है तो उसको ये नहीं पता कि इतने महंगे होटलों में रहना है या होम स्टे में रहना है। मैं अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करिएगा। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा संक्षिप्त उदाहरण दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक दिल्ली से विधायक है, माननीय विधायक, उनके मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा आपके लोहागढ़ विधानसभा में घूमना चाहता हूँ लेकिन किसी होटल में नहीं रहना चाहता हूँ, होम स्टे में रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं तमाम वेबसाइट को सर्च कर रहा हूँ, मुझे होम स्टे जैसी चीज कहीं नहीं दिखाई दे। मुझे एक चीज बताइए, होम स्टे का तो बार बार जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, होम स्टे बता तो दे, अभी लाइव बैठे हुए हैं वो ये बता दे, ये है वेबसाइट, इस वेबसाइट में आप सर्च कीजिए और चंपावत में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में, इन्हीं जगहों पे होम स्टे बने हुए हैं। आंकड़ा देना कुछ भी बोल देना और कमलेश जी बात अगर आप इस पे जवाब देंगे, जवाब देने के साथ साथ आप जो बेरोजगार युवा अब पलायन कर रहा है तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे आप, इसको लेकर अगर आप कुछ कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा ये मानना है कि आज जहाँ तक शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ये दो राजेश बिष्ट जी समय कम है, सभी को समय देना है, इसी वजह से वहाँ के युवा वहाँ के परिवार पलायन कर रहे हैं, बस मेरी इतनी सी बात, ताकि आप आगे शुरू करें। बिल्कुल, इस पलायन को रोक पाएंगे कमलेश जी? बिल्कुल, उसके लिए हमारी सरकार ने कई ऐसी व्यवस्थाएं करी हैं, जो हमारे जो बजट का प्रावधान है 2023 और 24 के अंदर 461 करोड़ रुपए हमने उद्यान विभाग के लिए स्पेशल दिए गए। पॉली हाउस के अंतर्गत, आप, मैं रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूँ, वहाँ उस क्षेत्र में मैं धरातल पे गया हूँ। ऐसा नहीं कि देखो पलायन की बात एसी में बैठ करके बहुत होती, मैं उस क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ और समय समय पे जाता हूँ। आप थोड़ा सा मेरी बात को समझें, वहाँ पे पॉली हाउस के अंतर्गत कीवी की खेती हो रही है, मेरे खुद हमारी जो जखोली ब्लॉक है उसमें कीवी की खेती होती है, और कोरोना काल से लेकर आज तक लगातार ऋषिकेश मंडी, देहरादून मंडी में अगर वो प्रत्यक्ष क्या, आप अगर जाएंगे माइक्रो लेवल पे तो लोग उससे रोजगार। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा था कि जो प्रवासी आ रहे थे उनको उचित संसाधन नहीं मिले तो वो वापस लौट गए, उसका वो चीज भी ध्यान में रखिएगा। कमलेश जी फाइनल कमेंट ले लेते हैं, अरुण जी आपके पास आएंगे, हालांकि यूकेडी के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कैसे ये पलायन रुकेगा, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए इसके लिए पहाड़ पे विकास की योजनाएं बनानी पड़ेंगी, उद्योग स्थापित करने पड़ेंगे, और जैसा हमारे भाई शिव प्रसाद ने बोला था कि यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट पहाड़ पे ले जाने होंगे और उनको छूट देनी होगी। हालांकि सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई है लेकिन अभी तक कोई आगे नहीं आया उस काम को करने के लिए, तो ये प्रोत्साहन नीति बनानी होगी, और बिना प्रोत्साहन नीति के पहाड़ पे आप इस बार डिबेट कर लीजिए या एक साल बाद कर लीजिए, यही स्थिति होनी है। तो इसलिए अगर उस स्थिति को सुधारना है तो ठोस धरातल पे काम करने होंगे। बिल्कुल जी, आपके पास आएंगे शिव प्रसाद जी, अगर देखा जाए तो ये प्रोत्साहन नीति नजर आ रही है सरकार के जिस तरीके से काम कर रही है, कुछ नहीं है, समावेशी विकास का जिक्र बार बार कर रहे हैं कमलेश जी। मैं, मुझे इस बात में बड़ी शर्म आती है बोलते हुए कि अच्छा हुआ मैंने यूकेडी ज्वाइन किया। मैं अभी बैठ के ये सोच रहा था कि अगर मैं भाजपा का प्रवक्ता होता तो किस तरीके से इनका गुड़ गोबर जो है अब मेरे मुंह से निकल रहा होता, मतलब कैसे मैं, मुझे शर्म आ रही होती इनके सरकार का बचाव करते हुए। पूरा उद्यान विभाग जिस तरीके से दलालों के भरोसे है ना, डूब मर जाना चाहिए भाजपा सरकार को और इनके प्रवक्ताओं को भी, इनके घर वालों को, सबको पता होगा कि किस तरीके से दलाल के भरोसे यहाँ पे उद्यान विभाग चल रहा है, कौन तुम्हारा डायरेक्टर है, किस तरीके से तुम जम्मू कश्मीर के, तुमने हवाले यहाँ के सेब के बगीचे किए हुए हैं। अरे जरा उद्यान विभाग के क्या सेब के बगीचे वाली जो यूनियन है, सेब की कोऑपरेटिव्स है, जरा उनके अध्यक्ष सचिवों से पूछो कभी क्या तुमने। अच्छी बात है शिव जी, आप बखूबी मुद्दे को उठाते हैं,
ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती हैं महज चुनावी माहौल में। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है कि पहाड़ी क्षेत्रों का विकास कैसे किया जाए, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजर आती हैं विकास का जिक्र, लेकिन उल्टा ही नजर आता है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल यही कि क्या अब ये पलायन रोकने में कामयाब होगी सरकार, जिस तरीके से बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं, और पहाड़ का समावेशी विकास अगर उत्तराखंड की बात करें तो क्या हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।